ये आ गया हींग वाला पानी। पनीर वाले कौन से हैं? सिगड़ी पे बनने का ये स्वाद अलग आता है, कोयले के ऊपर जब ये ना जैसे इसको हरी चटनी के साथ लगा के खा रहे हैं ना। ये आ गया जी खजूर वाला। तो ये आ गया जी यहाँ पे कुरकुरे मोमोज, सोया चाप मोमोज। भैया मलाई चाप लगवाइए, एक हो जाएगी ना। चलिए जी अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे जी मलाई चाप, राइट साई चाप पे। कोयले के ऊपर सेकी जाएगी। अच्छा फुल रहती है हाफ रहती है ये? इसमें मोमोज हैं? दिखाना जरा, इसमें भी लगा रखे हैं, दिखाना। ये कौन से? वेज? ये वेज। पनीर वाले कौन से हैं? ये वेज है। अच्छा पनीर भी है? सोयाबीन पत्ता गोभी। अच्छा पनीर नहीं है, सोयाबीन और पत्ता गोभी के जी आपको यहाँ पे खाने को मिलेंगे। बाकी चलिए मलाई चाप को करवाते हैं रेडी, और टेस्ट आपको बताते हैं कि शास्त्री सर्कल पर अगर आप आओगे और यू नो चाप वगैरह खाना चाहते हो, मोमोज खाना चाहते हो, तो आपको टेस्ट कैसा मिलने वाला है। तो काफ़ी लोग मेरे को वीडियोस में बोलते थे कि भाई तुम इतनी सारी चीज़ें तुमने दिखाई हैं लेकिन तुम एक दो चीज़ें ही बताते हो ट्राई करके। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक स्ट्रीट फूड को यू नो जितना मैं दिखाऊंगा उतना मैं आपको यू नो खा के भी दिखा पाऊँ। पेट तो एक ही है ना भाई, इतने मतलब लोग होते नहीं मेरे साथ, मैं अकेला ही सारी वीडियो शूट करता हूँ, तो इतना खाना पॉसिबल नहीं है। तो उतना ही खाता है जितना भाई साहब पेट इजाजत देता है। बाकी चलिए इसको रेडी करवाते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये मैरिनेट वगैरह करके रखते हो पहले से? तो ये हो गया जी अपनी रेडी। अच्छा इसको दोबारा से उसमें गर्म करोगे क्या? दोबारा से। सिगड़ी पे बनने का ये स्वाद अलग आता है, कोयले के ऊपर जब ये ना चाप वगैरह गर्म होती है ना तो उसका अलग स्वाद आएगा। तंदूर के ऊपर जब मतलब मलाई चाप को जाएगा या कोई भी किसी भी चीज़ के लगा लो, चाहे वो वेज लगा लो नॉन वेज लगा लो, जैसे जैसे आइटम्स अलग अलग तरीके से सेकी जाएंगी वैसे वैसे उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आता रहता है। तो लीजिए जी अपनी हो गई है मलाई चाप तैयार। तो चलिए ये हो गया जी अपनी मलाई चाप रेडी। चलिए टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट बताते हैं जी आपको कैसा है। तो चलिए जी इसको करते हैं अभी टेस्ट। बाकी भाई साहब अपने सामने ही बनाया है, अपने सामने बनी है तो उसका स्वाद ही अलग होगा। बढ़िया सा टेस्ट आ रहा है, मलाई का टेस्ट आ रहा है ना जैसा रहता है। प्याज वगैरह हरी चटनी के साथ खाने पे क्या हो रहा है, टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो गया। इसके साथ तो मलाई चाप हो जाती है ना, मलाई चाप वगैरह रुमाली रोटी जिसको कहते हैं, नज़ारा फिर अलग हो जाता। एक नंबर। इसमें लाइक जैसे मसाले जो डले हैं वो माइल्ड हैं सारे, है ना, और
मलाई ऊपर से जैसे डली है, इसके साथ ना तंदूरी सॉस भी इन्होंने डाली है, तो उसका जो टेस्ट आ रहा है ना, आफ्टर टेस्ट उसका ज्यादा आ रहा है। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं जी, फिर मिलते हैं आपको, ऐसे दिखाता हूँ जी अब आपको। जैसे इसको हरी चटनी के साथ लगा के खा रहे हैं ना, टेस्ट अलग आ रहा है। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था ना, ये देव नारायण जी के यहाँ पे गोलगप्पे जो है, सतरंगा तो नहीं है इनके पास, छह तरीके का पानी है। तो चलिए बताते रहिएगा भैया पानी कौन कौन सा लगा रहे हो। ये कौन सा? हींग का डालो। ये आ गया जी हींग वाला गोलगप्पा, ये आ गया हींग वाला पानी। गोलगप्पे हो हैं यार, पानी लग गया क्या? ये आ गया जी खजूर वाला। अच्छा अब ये कौन सा आएगा? जीरा। ये अब आएगा जी जीरे वाला। ये लहसुन, ये याद हो गया मुझे, ये आ गया जब लहसुन वाला। खट्टा मीठा आजमा, ओके। ये कौन सा? रेगुलर लहसुन वाला खिला दो। लो जी हो गया अपना डन। कितना हुआ? 20। गोलगप्पे जरूर आगे खाना जी इनके, पर ये देख लेना बारिश ना डली हुई हो, बारिश से पहले पहले खा लेना। ये लो भैया, थैंक यू सो मच। तो चलिए जी फिर चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, अपना पूरा प्रॉपर हो ही गया है, लंच डिनर जिसको कहते हैं, लंच भी कह रहा हूँ, डिनर वगैरह सारा हो ही गया। चलिए अब होटल की तरफ चलते हैं।